सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। भाजपा नेता लॉकेट चैटर्जी का दोष, रामनौमी ते हिंसा सोची समझी साजिश, इस्तीफा देवे ममता बैनर्जी। सीएम योगशाला पंजाब दे लोकां नूं वड्डा तोहफा, हर वर्ग नूं लैणा चाहीदा लाभ, कहा सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने। किडनी ट्रांसप्लांट मामले च हैरानीजनक खुलासे, डेराबसी दे हस्पताल खिलाफ वड्डी कार्रवाई। भाजपा ने दोष लाया कि पछमी बंगाल विच हाल ही विच हुई हिंसा सूबे की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी वालों रची गई सोची समझी साजिश का नतीजा है। भाजपा ने ममता के इस्तीफे की मांग की है। हुगली के संसद मैंबर लॉकेट चैटर्जी ने पार्टी के दो होर संसद मैंबरों नाल भाजपा हैडक्वार्टर विखे एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे केंद्र ने इस संबंध में दखल देने ते हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी तो जांच कराने की मांग की। उन्होंने दोष लाया कि पछमी बंगाल में रामनौमी तो बाद हुई हिंसा दी घटनावां ममता वालों अपनी सरकार अधीन भ्रिष्टाचार के मुद्दे तो लोगों का ध्यान हटाने ते आने वाली चोणों पर नज़र रख के मुस्लिम वोटों को अपने हक में भुगताने की एक सोची समझी साजिश का नतीजा ने। डेराबसी के एक निजी हस्पताल में नकली दस्तावेजों के आधार पर किडनी ट्रांसप्लांट का पर्दाफाश होने तो बाद मोहाली मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन ने हस्पताल का किडनी ट्रांसप्लांट लाइसेंस रद्द कर दिया है। पुलिस ने सारे मामले की जांच लिए एसपी मोहाली की अगुवाई हेठ तीन मैंबरी एसआईटी का गठन भी किया। अभिषेक होर ते बाकी ये सब चीज़ा जिम्मे हम डॉक्टर ने प्रूफ क्राफ्ट आपके वास्ते पक्के रखे हुए ने, लेकिन डॉक्टर को पता सीगा तीन जड़े डॉक्टर केड़े केड़े डॉक्टर, एक तो राजन शर्मा, एक नरेंद्र, एक एनाथीसी वाला जो बेउसी का करता सीगा, उनका नाम मैनू नहीं पता गा, लेकिन मैनू इन्ना पता है कि उन्होंने पता सीगा भी ये तापा दो नंबर च फैमिली बनाई है कि उन्होंने ये सी ना कि उन्होंने मैनू किसी तरह कोई कोऑपरेट नहीं किया, मैनू दस्या नहीं सी कि तू दो महीने मोटरसाइकिल नहीं चलाना, मैंने तो कहते पहला तो उन्होंने क्या कह के बुलाया था ने, सब तो पहला तुहाडे नाल गल कहिंदे कीती है भी आपां इदां दा काम करना। मैनू तो जी एक हसन जसबीर के थ्रू आया सीगा ते एक हसन नाम दा मुंडा। तुसीं इत्थे कदों आ गए सी? मैं इतने दो महीने पहला आ गया सी, 11-15 जन की पर मार्च चल रही है ना। ऑपरेशन होने तो बाद कितने दिन रखे तो नोते हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो उन्होंने मैं एक दो दिन ही रखे जी। क्या नाम है हॉस्पिटल का? इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जी। जेड़ा डेराबसी विच है? मैनू तो उन्होंने धोखे जे रखे ना, मैं डॉक्टर ने यह नहीं दसिया कि तू 6-6 महीने कुछ कर नहीं सकता, उन्होंने कहा दो दिन च तू सही। किन्ने पैसे की गल की सी? वो तो मैं उन्होंने 10 लाख रुपया कहा जी, 4.5 लाख उन्होंने मैंने दिता सी, उसके 4 लाख रुपया कोई बंदा मेरे फ्रॉड कर गया जी। 10 चो 4.5 दिते हैं खाते च पाए से? 4.5 ही पाए थे जिंदे चो 4 लाख फ्रॉड करके लैके वापस लै गए। पाए किन्ने? जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 की जी रेलीवेंट धारावान ने फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड लॉन्च की गई FIR ऑन 18th of March। FIR ऑन बेसिस ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लॉन्च की गई है। ए बाय नेम साढ़े अक्यूज ने राज नारायण जो कि यूपी का रहने वाला है, इंडस हॉस्पिटल के कर्मचारी कुछ अननोन के खिलाफ। मैं कोई होर मामला भी सामने आया इस तो अलावा जी? नहीं अजे असी जिवें मैं पहला दस्या कि अजे असी इन्वेस्टिगेशन इज अंडरगोइंग ते अजे असी सारा देख रहे हैं कि यह कितना बड़ा गिरोह है।
दिल्ली मेट्रो के एक कोच कथित तौर पर छोटे कपड़े पहन के सफर कर रही कुड़ी की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया से वायरल हो रही वीडियो में कुड़ी होर महिला यात्रियों के नाल छोटे कपड़ों में मेट्रो कोच के अंदर बैठी हुई नजर आ रही है। बयान मुताबिक यात्रियों नू अजिहियां किसी भी सरगर्मियों में शामिल नहीं होना चाहिए जां अजिहा कोई पहरावा नहीं पाना चाहिए जिस नाल दूजे यात्रियों की भावनावां नू ठेस पहुंचे। दिल्ली मैट्रो का कहना है कि DMRC का संचालन के रख रखाव एक्ट में अश्लीलता धारा 59A के तहत सहयोग अपराध वजो सूचीबद्ध करता है। छोटे कपड़ों में मेट्रो सफर करने वाली 19 साल की कुड़ी का भी बयान सामने आया। उसने कहा है कि यह मेरी मर्जी है कि वह की पहनेगी तो की नहीं। आवारा कुत्ते हर शहर ते सूबे विच समस्या बनी हुई ने। उड़ीसा दे बहरामपुर शहर तो आवारा कुत्तियां दे कहर नाल जुड़िया एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो नू देख के रूह कम जावेगी। वीडियो विच देखा जा सकता है कि आवारा कुत्ते स्कूटी ते जा रही दो औरतां ते एक बच्चे का पीछा कर रहे हैं। उदों ही कुत्तियां दे डर कारण औरत स्कूटी तो अपना संतुलन गवा बैठी तो सड़क किनारे खड़ी कार नाल टकरा गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी कार की टक्कर इन्नी जबरदस्त सी कि बच्चे समेत दोवें औरतां सड़क पर डिग गई। इस हादसे में 3 जख्मी हुए हैं। हुण इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रही है। दस दिए कि इस तो पहला भी कर्नाटक के शिमोगा जिला हस्पताल के अंदर एक कुत्ता एक नवजमे बच्चे को घसीटता देखा गया से बाद में बच्चे की मौत हो गई थी। पंजाब दे सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने आख्या कि भगवंत मान सरकार वालों सूबे की जनता की तंदुरुस्त सेहत लई CM योगशाला की शुरुआत की जा रही। उन्होंने कहा कि भारत दी शानदार प्राचीन रवायतों के सुमेल नाल योगशालावां शरीरिक ते मानसिक तौर पर पंजाबियों नू सेहतमंद बनाउण विच सहाय सिद्ध होणगे। उन्होंने दस्सिया कि पायलट प्रोजैक्ट तहत इसकी शुरुआत अमृतसर फगवाड़ा पटियाला ते लुधियाणा तो की जाएगी। जिहड़ी CM दी योगशाला जिहदे विच के लोगों उन्होंने पिंड दे विच उन्होंने महल्ले दे विच उन्होंने कॉलोनी दे विच जिथे भी लोग चाहणगे उन्होंने वास्ते उन्होंने उत्थे आके योगा कराया जाएगा। और ये जिहड़ा इम्फेसिस होएगा साडा पहले साडे जिहड़ा पायलट प्रोजेक्ट है उहदे विच श्री अमृतसर साहिब लुधियाणा फगवाड़ा और जिहड़ा पटियाला असीं इह चार शहरां दे विच लॉन्च कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट है उस तों बाद पूरे पंजाब दे विच लागू होएगा। ये वास्ते एक हैल्पलाइन नंबर भी है 7066940500। सो ये हैल्पलाइन नंबर है। तुसी एक सिर्फ मिस्ड कॉल देनी है और मान साहब की जिहड़ी सरकार है वो थानू योगा टीचर प्रोवाइड करेगी और थोड़े महल्ले दे विच आके थोड़ी गली दे विच आके जिथे भी आसे पासे जगह अवेलेबल होएगी उत्थे आके लोगों नू वो सारी जानकारी देंगे। आहार वास्ते खुराक किहो जी लेनी है और व्यवहार वास्ते जिहदे विच तुसी मैडिटेशन करनी है और उस तो बाद जिहड़ियां योगिक एक्सरसाइज है प्राणायाम है जिन्नियां भी योगिक एक्सरसाइज है और खास करके जिहड़े कोई बंदे नूं जे ब्लड प्रेशर जां किसे नूं शुगर है जां साह दी बीमारी है किसे दा उहनूं असीं थेरेपटिक योगा कहिंदे आ उह साडे जिहड़े 60 तों करीब जिहड़े साडे बच्चे हैगे उह ट्रेनिंग जिहड़ी लै उन्होंने गुरु रविदास यूनिवर्सिटी तों उन्होंने ट्रेनिंग दित्ती आ और खास करके जिहड़ियां बीमारियां वास्ते उचेचे तौर पर उन्होंने जे किसी नूं शुगर दी आ उन्होंने कहड़ियां एक्सरसाइज स्पैशल करानी आ ब्लड प्रैशर वाले नूं कहड़ियां करानी आ जे किसी नूं रूमन आर्थराइटिस जां आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उन्होंने वास्ते कहड़ियां गुणकारी है। सो उहदे विच स्पैसिफिक एक्सरसाइज भी होंदियां बट एक चंगी सेहत वास्ते जिहड़ी जनरल आ जिहदे विच प्राणायाम आ गया ते रैगूलर एक्सरसाइज आ गई आ सूर्या नमस्कार आ गया जिन्नियां भी साडियां उहदे विच एक्सरसाइज है उह सारियां उन्होंने एक विधिवत तरीके दे नाल कराणगे। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब की रहनुमाई हेठ साबका सैनिकां ने अपनियां मंगां नूं लै के गुरदासपुर विच रोस मार्च करदे आ। डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर राही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ते रक्षा मंत्री दे नाम ते अपनियां मंगां संबंधी मंग पत्र दिता। साबका सैनिकां ने कहा कि जेकर उन्हां दीआं मंगां वल ध्यान ना दिता गया तां संघर्ष नूं होर तिखा कीता जावेगा। अज का जोड़ा प्रोटेस्ट है जी साडा जोड़ा 20 फरवरी तो दिल्ली जंतर मंत्र धरना लगा हुआ वा
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ 10-10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 50-100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੇਲੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ 43ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੜਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ पिछले समय नशिया कारण उजड़िया ननाण ते भरजाई दा घर दोवां दे सिर दे साईयां दी मौत तों बाद घर दे गुजारे ते बच्चियां दी पढ़ाई खातर दानी सज्जनां नूं मदद दी गुहार लगा रहे हैं। नशिया ने परिवार दे दो जी मौत दी दलदल वल धक दित्ते ने ते अपनी व्यथा सुणाउंदिया जिला तरन तारण दे पिंड बलेर दी रहण वाली कुलविंदर कौर ने भरे मन नाल अथरू बहाउंदे दस्सिया कि उसदा पति सुखचैन सिंह नशे करन दा आदी सी ते इक दिन उह खुद नशियां दी भेंट चढ़ गया जिस तों बाद बच्चियां दी पढ़ाई ते घर दे गुजारे लई उह सरकार ते रिश्तेदारां दे मूंह वल ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧੁੰਟਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕਣ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਜਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਨਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੇ ਵੱਢਣੇ, ਆਪੇ ਪਾਉਣੇ, ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਮੰਜੇ ਦੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਦਾਰ ਸੌਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕਾ, ਦਾਰ ਸੌਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚਵਾਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ। ਜਿਉਂ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਧਵਾ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ,
जिस दी अज तो कुछ चिर पहला नशे दे ओवरडोज दे कारण मौत हो चुकी है। इस परिवार का इको एक ही सहारा सीगा जिहदी उस तो बाद पालन पोषण बहुत बच्चों पढ़ाने का बहुत ज़्यादा सारी भैन के उत्ते जिम्मेवारी पई है, पर इसके कोल कोई भी कमाई का साधन नहीं क्योंकि जो भी यदि पहला जमीन जायद सी जायदाद सी इसके पति ने नशियां के कारण सारी बेच वर चुके हैं। तो इस टाइम रोटी तो भी आतरा, बच्चों स्कूल जाने तो आतरा। मेरी ग्राम पंचायत ढाईवाला वालों समूह देश विदेश वसदे दानी सज्जनों को बेनती है कि इस परिवार की बांह जरूर फड़ी जाए। हाँ जी ये भी जो पेका परिवार सीगा वो भी बहुत दुखी है, उन्होंने भी पहला भरा की भी इसे कारण नशे कारण ही मौत हो चुकी है, उन्होंने कोल भी कोई कमाई का साधन नहीं है। अमृतसर के थाना गेट हकीमा के अधीन पैंदे इलाका अमन एवन्यू विच रहण वाले ते खुद नूं समाज सेवी कहण वाले सुभाष सैगल के घर थाना गेट हकीमा की पुलिस वालों रेड की गई, जिथे पुलिस अधिकारी सुभाष सैगल नूं अपने नाल लै गए। इस मौके सुभाष सैगल ने मीडिया नूं जानकारी दिंदे हुए दस्सिया कि थाना गेट हकीमा के पुलिस अधिकारी उन्हां कोल आए ने ते उन्हां कहा कि तुहाडे खिलाफ़ शिकायत आई है कि तुसीं हालातां नूं खराब करन वाली वीडियो सोशल मीडिया ते पा रहे हो। सुभाष सैगल ने कहा कि मैं कहा कि गैंगस्टर भी साढ़े भरा ने, गैंगस्टर जो बनते हैं वो माड़े हालातों के कारण ही बनते हैं। उत्थे थाना गेट हकीमा के पुलिस अधिकारी ने दसिया कि सुभाष सैगल ने एक वीडियो वायरल की जिस विच उसने गैंगस्टरां नूं अपना भरा दसिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रखने लिए उन्होंने वालों यह कार्रवाई की गई है। अमृतसर पुलिस वालों गड्डियां ते कालियां फिल्मां ते ट्रिपल सवारी ते बिना नंबर तो सड़कां ते घूमन वालियां गड्डियां दे चलान कट्टन दी मुहिम चलाई गई है, जिसके चलदियां थाणा बी डिवीजन दी पुलिस वालों नाकाबंदी करदियां सड़क ते काली फिल्म लगा के ते गड्डी ते हूटर लगा के घूम रही गड्डी दे चालक वालों पुलिस नूं देख के अपनी गड्डी भजा ली गई। पुलिस अधिकारियों वालों गड्डी दा पीछा किया गया जिसकी फुटेज बाजार विच लगे सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हो गई। आखिर पुलिस वालों गड्डी दा पीछा कर उस नूं घेरा पा के गड्डी नूं काबू किया ते नौजवानां दा चलान कट्टिया। अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के नवे बने चेयरमैन अशोक तलवार के चेयरमैन संबंधी नोटिफिकेशन जारी होने संबंधी अमृतसर के पुतलीकार दफ्तर विच आप वर्करां वालों आतिशबाजी चला के ते मिठाई वंड के खुशी मनाई गई। इस मौके वर्करां दे विच काफ़ी खुशी की लहर पाई गई। इस संबंधी चेयरमैन अशोक तलवार ने कहा कि पार्टी हाईकमान वालों दी गई जिम्मेवारी वह पूरी तनदेही निभाएंगे। इस तों बाद नवे बने चेयरमैन अशोक तलवार सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकने लई पहुंचे। इस मौके उन्होंने कीर्तन सुनिया ते सरबत दे अरदास कीती। फ्रेंड्स ऑफ कनेडा एंड इंडिया फाउंडेशन के प्रधान मनिंदर सिंह गिल ने दोष लाया कि कनेडा के सरी इलाके वसदे पंजाबियों नूं उदों तो ही कट्टरपंथी खालिस्तानी ग्रुपां वालों जानों मारन दीआं धमकियां ते हमलियां दा सामना करना पै रिहा जदों तो पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह ते कार्रवाई शुरू की है। विश्व भर में पंजाबी भाईचारे के मुद्दों लई एक समाजिक कारकुन ते इंडो कनेडियन सहयोग के एक मजबूत वकील गिल ने इन समस्यावां बारे रॉयल कनेडियन माउंटेन पुलिस के मुखी नूं पत्र लिखिया जिस विच कनेडा विच भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा की सुरक्षा नूं खतरा भी शामिल है। गिल ने कहा कि जदों भी मैं घरों बाहर निकलदा तां खालिस्तानी कट्टर